हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनूज़ किचन। मीनूज़ किचन में आज भगवान की भोग के लिए बनाई जा रही है सेवई की खीर, जिसके लिए मैंने आधा किलो दूध को अच्छे से उबाल लिया। ये आधे से जितना रह गया है, अब मैंने इसमें घर का बना हुआ घी डाल दिया है, जो सिर्फ मैं सिर्फ भोग में इस्तेमाल करती हूँ। और इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूँगी 3-4 काजू और 3-4 बादाम डाल दूँगी। ये हल्के सुनहरे होने तक मैं इसे भून लूँगी, और बादाम में जब तक थोड़े से क्रैक्स नहीं आ जाते तब तक इसको रखूँगी। आप इसमें इस वक्त किशमिश भी डाल सकते हैं, और दूसरे भी कोई आपको अच्छा लगता हो वो डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट। ये देखिए मेरे भून गए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और इस बचे हुए घी को छोड़ दूँगी। गैस अभी जल ही रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, बादाम भी देखो क्रैक्स आ गए, भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधी कटोरी से भी थोड़ी कम सेवई, जिसको भी मैं हल्का हल्का उसी घी में भून लूँगी हल्का सुनहरा होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरी तरफ भी मेरा जो है दूध उबल ही रहा है, और ये और भी अच्छे से होता जा रहा है कि जब मलाई आ जाती है तो इसका खाने का स्वाद एकदम रबड़ी जैसा लग जाता है। और ये मेरी जो सेवियाँ हैं वो लगभग सी हो गई है, हल्की गुलाबी, जो आप देख सकते हैं। मैंने दूध को अभी यहाँ रख दिया है। और ये देखिए, क्योंकि ये फ्राई पैन थोड़ा बिखरा है तो मैंने इसको और हल्का सा चला लिया ताकि जले ना। अब भी इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म होती तो उसको बाद में गैस बंद करने के बाद भी चलाना चाहिए। ये देखिए मैंने काजू के टुकड़े कर ले रही हूँ, वो तो हाथ से हो जाएंगे। और ये जो बादाम हैं उनको मैं जो अदरक और इलायची कूटने का होता है उसमें उसको डाल के कूट लूँगी, और उसी में मैं दो इलायची के टुकड़े छोटे वाली हरी उसको कूट दिया है। ये देखिए अब मैंने इसमें आधे से भी थोड़ी कम चीनी डाल दी है, जो कि खाने की चम्मच यानी कि 3 चम्मच जितनी होगी, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। ये देखिए मैंने जो सेवई भुनी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है और अच्छे से मिला दिए ताकि ये एक दूसरे से जुड़े ना। अब मैं इसमें और भी उबाल दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छे से बने। और अब इसमें मैं ये डाल देती हूँ काजू जो मैंने हाथों से तोड़े थे, और ये जो बादाम मैंने अभी अदरक कूटने में जो कूटे थे वो है, और इसमें मैंने जो इलायची भी थोड़ी सी जो दो हरी इलायची डाली थी वो भी इसमें डाल के मिला दूँगी। ये देखिए मिलाने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा और उबाल दे देती हूँ, हल्के से तेज कर दिए आँच, क्योंकि ये पक चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से उबाल आ गया है और ये अच्छे से उबल गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब में ऑल का आइकन बटन दबाइए, और सबसे पहले मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।